हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 11th का चैप्टर 2 करेंगे, विच इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट। लास्ट वीडियो में इस चैप्टर की मैंने आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स और पैरेलेक्स मेथड पढ़ाया था। आज की इस वीडियो में हम डायमेंशंस पढ़ने वाले हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है डायमेंशंस। यहाँ पे मैंने लिखा है डायमेंशंस एंड डायमेंशनल एनालिसिस। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डायमेंशन का मतलब क्या होता है। डायमेंशन मतलब जब कभी भी हम किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटीज को, जो हमने फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटीज पढ़ी थी, मे बी आपको याद हो, फंडामेंटल क्वांटिटीज वो जो कि अपने अलावा और किसी चीज से रिप्रेजेंट नहीं करी जा सकती है, एग्जाम्पल लेंथ, मास, ये सब। और डिराइव्ड क्वांटिटीज वो जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज में से ही निकलती हैं, उनके कॉम्बिनेशन से ही हम लिखते हैं। सो डायमेंशन का मतलब होता है कि जब कभी भी कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटी को हम, ठीक है, उसकी यूनिट या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम फंडामेंटल क्वांटिटीज के कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस करते हैं तो उसे डायमेंशन कहते हैं। अब मैंने यहाँ पे दो डेफिनेशंस लिखी हुई हैं डायमेंशंस की। सो फर्स्ट इज, डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज डिफाइंड एज द पावर टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेज टू एक्सप्रेस द फिजिकल क्वांटिटी। अब जो डायमेंशंस होती हैं उसे हम हमेशा ब्रैकेट फॉर्म में, जब कभी भी आपने ऐसे ब्रैकेट यूज किया है फिजिक्स में तो इट मीन्स कि आप डायमेंशंस की बात करें। तो यहाँ पे हमें डायमेंशंस दे रखी है, m मास, लेंथ के लिए l एंड t फॉर टाइम। इन तीन के अलावा जो हमारी डायमेंशंस होती हैं वो k और a भी होती है। k मीन्स केल्विन, जो कि टेम्परेचर की यूनिट है, और a मीन्स करंट। तो इन तीन के अलावा हम उन दोनों को भी डायमेंशंस की फॉर्म में यूज करते हैं। आप एक एग्जांपल देखिए, यहाँ पे हमें वेलोसिटी गिवन है। वेलोसिटी हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है और इसे हमने कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस किया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अब जब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो ऑब्वियसली कुछ बात हो रही है डिस्टेंस के रिगार्डिंग, तो हमने इसे एल में लिया। और टाइम की जो डायमेंशंस लेते हैं आप हमेशा टी ही लेते हैं। अब इसे डायमेंशंस की फॉर्म में कैसे लिखेंगे आप, एल जो ऊपर आपका ब्रैकेट है, देन उसके बाद में टी। अब यहाँ पे टी आपका डिवाइड में है तो ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस की फॉर्म में आ जाएगा। सो हमारी डायमेंशंस एल एंड टी। अब जब आपने इसको डायमेंशंस की फॉर्म में लिखा तो आप इसे एल टी माइनस वन भी लिख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो एम एल टी माइनस वन भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास मोस्ट ऑफ द डायमेंशंस इस फॉर्म में मिलती है तो मैंने इसे भी इस फॉर्म में लिख दिया। अब देखिए, यहाँ पे एल और टी की हमने बात करी है, मीन्स की लेंथ और टाइम की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे मास का कोई यूज नहीं था तो मास की पावर हमने क्या ले ली, जीरो। एल वन हो गया और टी माइनस वन हो गया, तो ये वेलोसिटी की डायमेंशन हो गई। सेकेंड जो डेफिनेशन है, डायमेंशन फॉर्मूला इज डिफाइंड एज द एक्सप्रेशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ इट्स बेसिक यूनिट विद प्रॉपर डायमेंशंस। अब यहाँ पे एग्जाम्पल फोर्स का दे रखा है, जैसे हमने वेलोसिटी का निकाला था ऐसे ही फोर्स का है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इसे हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ मेन चीज ये है कि आपको ये समझ आए कि डायमेंशंस होती क्या है और उसे हम किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, जब कभी भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटीज के कॉम्बिनेशन में हम लेते हैं तो उसे हम डायमेंशन कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, हमारे पास इस साइड क्वांटिटीज हैं, ये वेरिएबल्स हैं और ये कॉन्स्टेंट है। वेरिएबल का मतलब वो टर्म्स जो कि चेंज होती रहती हैं टाइम के साथ में, या फिर एक पर्टिकुलर सिचुएशन में हमने उसकी वैल्यूज को चेंज कर दिया। लेकिन जब कॉन्स्टेंट की बात करते हैं तो वो हमेशा फिक्स रहती है, ये वैल्यूज फिक्स हैं, जिनको आपने बहुत सी वैल्यूज को इनमें से लर्न भी किया होगा और बहुत सी वैल्यूज को लर्न नहीं भी किया होगा। सो वेरिएबल्स मीन्स कि जिसमें चेंजमेंट आता है, और कॉन्स्टेंट मतलब ये कि जो चेंज नहीं होती है। सो अब देखिए, क्वांटिटीज की बात करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट आता है विद डायमेंशंस, एंड सेकेंड वन इज विदाउट डायमेंशंस और डायमेंशनलेस। जब डायमेंशंस की बात करते हैं तो उसमें वेरिएबल्स आते हैं स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स, और कांस्टेंट है आपके स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, दैट इज 3 × 10⁸, प्लैंक कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। देन नेक्स्ट है विदाउट डायमेंशन, या फिर जो डायमेंशनलेस होते हैं उसमें हमारे वेरिएबल्स आते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, स्ट्रेन, रिफ्रेक्टिव डेंसिटी,
एंड कॉन्स्टेंट में आता है वैल्यू ऑफ पाई जो कि दो होती है, दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं लेकिन ये फिक्स होती है। एंड लास्ट वन इज एवोगैड्रो नंबर। अब नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। अब इस वीडियो में हमने जितना भी कुछ पढ़ा है या आगे जो भी कवर करने वाले हैं उन सब के हैंड रिटन नोट्स आपको पीडीएफ में नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, हमारे पास टोटल 3 एप्लीकेशंस हैं डायमेंशन एनालिसिस की। फर्स्ट इज यूनिट कन्वर्जन या कन्वर्जन ऑफ यूनिट, या फिर टू कन्वर्ट द फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। अब इसमें जो फर्स्ट एप्लीकेशन है उसी के अंदर हमारी एक टर्म आती है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो वो दोनों, ये यूनिट कन्वर्जन एंड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। तो अभी हम पहले ये 3 डायमेंशंस की एप्लीकेशन देखे, देन वन बाय वन एक एक को हम डिस्कस करेंगे। सेकेंड वन इज टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन और रिलेशन। देन थर्ड इज टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व्ड इन अ फिजिकल फिनोमिना। सो अब हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन का मतलब है जैसे 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर्स। अब इसमें हम देखते हैं, 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो अब इसमें हम देखते हैं कि हमने कन्वर्जन यूनिट क्या ली। अब मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, हाउ मेनी मीटर्स मेक 3 किलोमीटर्स। अब 3 किलोमीटर्स हमें पता है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है, तो 3 किलोमीटर्स में 3000 मीटर होंगे। एक सिंपल कैलकुलेशन है, लेकिन जब हम यहाँ पे कन्वर्जन फैक्टर देखते हैं कि एक यूनिट को मींस किलोमीटर को मीटर में जब कन्वर्ट किया तो उस टाइम पे कन्वर्ट किसने किया या हमारा जो कन्वर्जन फैक्टर था वो क्या था। सो यहाँ पे क्या है आपका 1000 मीटर। अब जब हमें पता है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर है, तो आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ 3 की जगह 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी ले सकते हैं, बट जो सामने यूनिट रहेगी वो सेम रहेगी। तो हमें सिर्फ मल्टीपल निकालना होता है, तो इससे हमारे लिए कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इजी हो जाती है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है आपकी यूनिट कन्वर्जन। सो सेकंड वन इज यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन और रिलेशन। फिजिकल इक्वेशन और रिलेशन में हमने मोशन में पढ़ा था 10th में कि इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास 3 होती हैं और या 3 रिलेशन होते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस में 80, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, और थर्ड वन इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें फिजिकल इक्वेशन आपकी ये भी होती है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ओवरऑल इसमें होता क्या है कि हमें LHS को RHS के इक्वल प्रूव करना होता है। अगर दोनों की डायमेंशन सेम आती है तो वो हमारा रिलेशन करेक्ट है, और अगर दोनों की डायमेंशन सेम नहीं आती है तो वो हमारा रिलेशन गलत है। आप देखिए फॉर्मूला है हमारे पास स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब यहाँ पे हम टाइम की बात करें तो मैंने 2 केसेस लिए है। फर्स्ट केस में टाइम मैंने लिया है स्पीड अपॉन में डिस्टेंस, एंड सेकेंड केस में टाइम लिया है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। आप देखिए यहाँ पे टाइम के लिए टी लेंगे आप, स्पीड के लिए एल और टी लेंगे, और डिस्टेंस के लिए आप एल लेते हैं। अब यहाँ पे सेम यहाँ पे हमने इसको रेसिप्रोकल कर दिया है, बट फर्स्ट केस में जब हमने देखा तो टी ही रहेगा, लेकिन इसको जब डायमेंशन को सॉल्व किया आपने, एल से एल कैंसिल आउट हो गया तो टी की पावर -1 हो गई, विच इज नॉट इक्वल टू LHS। देखिए LHS में आपका सिंपल टी दे रखा है और RHS में आपके T के पास में पावर आ जाती है और वो भी माइनस में, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये रिलेशन आपका गलत है। अब सेकेंड रिलेशन देखिए, टाइम के यहाँ पे T ही रहेगा और जब L से L कट आउट हो गया तो आपका यहाँ पे T बचा, तो ये दोनों सेम है, LHS इज इक्वल टू RHS, तो ये रिलेशन आपका ठीक है। इट मीन्स स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम के अलावा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब जब हमने लास्ट इक्वेशन देखी LHS और RHS को इक्वल प्रूफ किया, तो उसके लिए आपके पास एक नोट भी है कि जब कभी भी हम डायमेंशन एनालिसिस करते हैं तो वो डायमेंशनलेस कांस्टेंट के लिए कभी भी एप्लीकेबल नहीं होती है या उसमें वो हमारे लिए यूजफुल नहीं होती है। नाउ नेक्स्ट इज होमोजेनिटी प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। ये आपका यूनिट कन्वर्जन का भी एक पार्ट है, तो दोनों का मतलब सेम ही होता है। अब ये आपका CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से ये
और नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, ये दोनों आपके सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एग्जाम में हमारा क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है कि डिफाइन होमोजेनिटी प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशन एनालिसिस या व्हाट इज होमोजेनिटी प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशन एनालिसिस एंड राइट सम लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। तो ये दोनों क्वेश्चंस आप नोट कर लीजिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ फर्स्ट वन इज होमोजेनिटी प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। अब इसमें जो होमोजेनिटी प्रिंसिपल है, इसका मतलब ये होता है कि जो डायमेंशंस है एलएचएस साइड में और आरएचएस साइड में शुड बी सेम। डायमेंशन इक्वेशंस ऑन द बोथ साइड मींस एलएचएस एंड आरएचएस, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड शुड बी द सेम। सो ये आपका प्रिंसिपल होमोजेनिटी है। दिस प्रिंसिपल इज हेल्पफुल बिकॉज इट हेल्प अस कन्वर्ट द यूनिट्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये हमारे लिए इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये वन फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, विच इज आर फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। अब इसमें एग्जाम्पल मैंने आपको इक्वेशन से ले रखा है। आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन, टोटल थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, आप कोई भी लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इक्वेशन है वी इज इक्वल टू यू प्लस में ए टी। वी की डायमेंशन हमने लिखी यहाँ पे यू की, देन ए की और देन फॉर टाइम टी। अब यहाँ पे वी यू आपका फाइनल वेलोसिटी, यू इनिशियल वेलोसिटी, ए एक्सेलरेशन एंड टी इज टाइम। अब यहाँ पे देखिए ये आपकी वी की डायमेंशन है और ये आपकी इस पूरे रिलेशन की डायमेंशन है, तो ये दोनों डायमेंशन हमारी इक्वल है। इट मीन्स एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, सो हेंस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इज प्रूफ। तो ये आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है, जिसका मतलब है कि बोथ साइड पे जो डायमेंशन है वो सेम आती है। नेक्स्ट टॉपिक लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। ये बहुत बार एग्जाम में आता है कि आपको लिमिटेशंस लिखनी ही है। देन इट डज नॉट गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द डायमेंशनल कॉन्स्टेंट। जितने भी कॉन्स्टेंट होते हैं, डायमेंशनल कॉन्स्टेंट मीन्स कि जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। हमने वेरिएबल्स पढ़े हैं और कॉन्स्टेंट पढ़े हैं। अब कॉन्स्टेंट की, डायमेंशन कॉन्स्टेंट की बात करते हैं तो उसमें आपका एवोगैड्रो नंबर आता है, वैल्यू ऑफ पाई, बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट या स्पीड ऑफ लाइट की बात करते हैं वैक्यूम में, तो ये सारी चीजें आपकी डायमेंशनल कॉन्स्टेंट में आती है। सो जो डायमेंशन एनालिसिस हम करते हैं, मीन्स कि इस फॉर्म में जब हम डायमेंशन को पढ़ते हैं, तो वो हमारी इसमें हेल्प नहीं करती है। सेकेंड वन इज द फॉर्मूला कंटेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, मीन्स कि टैन, साइन, कॉस, थीटा, ये सब की अगर हम बात करते हैं, या फिर जो हमारी लॉग टेबल है, लॉगरिथमिक फंक्शंस होते हैं, वो भी डिराइव नहीं होते हैं बाय द डायमेंशन एनालिसिस। थर्ड और लास्ट इज इट गिव्स नो इन्फॉर्मेशन अबाउट वेदर अ फिजिकल क्वांटिटी इज अ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी हमने 10th में पढ़ा होता है, इवन 9th में भी कुछ पढ़ते हैं हम इसमें, कि आपके सिर्फ मैग्नीट्यूड है या फिर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चीजें हैं, बट ये चीजें हम डायमेंशंस जब करते हैं तो उस टाइम पे इसको हम अच्छे से नहीं निकाल पाते, तो ये भी उसकी लिमिटेशंस में ऐड हो जाता है। अब ये जो है, इसे मैंने एक्सप्लेन किया एक एग्जांपल से कि किस तरीके से आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ जाता है। सो क्वेश्चन इज चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन। यहाँ पे आपको फिजिकल इक्वेशन दे रखे है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। ये भी हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो अभी जब हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो ये तो हमने एक एग्जाम्पल लिया था। बट अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन की फॉर्म में आते हैं, वो कैसे आते हैं, तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रखा है। आपको ऐसे दिया होगा, आपको करेक्टनेस बतानी है और नीचे आपको एक रिलेशन या इक्वेशन दे रखी होगी और उसके बाद आपको डिफाइन करना है या उसे प्रूफ करना है कि क्या ये करेक्ट है या नहीं है। सो हियर एस इज डिस्प्लेसमेंट, यू इनिशियल वेलोसिटी, टी टाइम, ए एक्सेलरेशन एंड वी इज फाइनल वेलोसिटी। तो अब यहां पे आपको इसको एक्सप्लेन करना है। अब यहाँ पे आपको यूनिट्स के, जो हमने यूनिट्स लिए हैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी में, उनके सिंबल मीनिंग दे रखे हैं कि क्या चीज क्या होती है। अब देखिए सबसे पहले हमारा एलएचएस की बात करें, लेफ्ट हैंड साइड पे आपका सिर्फ एक सिंगल था एस एंड राइट हैंड साइड पे ये पूरा रिलेशन यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। जब हमने इसमें डायमेंशन फॉर्मूलाज की बात करी, ऑब्वियसली ब्रैकेट यूज करके हम डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हैं। सो सबसे पहले LHS, LHS में आपका S आता है जो कि लेंथ यानी कि डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस से रिलेटेड होता है, तो इसलिए आप L लेंगे, L M T, सो L डायमेंशन 1, M 0, T 0, ये आपका फर्स्ट हो गया। देन सेकेंड रिलेशन आपका था UT, मींस कि RHS साइड पे UT प्लस में हाफ AT स्क्वायर, तो ये आपने उसकी डायमेंशंस लिखी और आपने जब इसे सॉल्व किया तो आपके पास L 1, M 0, T 0,
ये आपका सेकेंड. सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड जब आप दोनों इक्वेशंस को देखते हैं, एल वन दोनों में, एम जीरो दोनों में, टी भी जीरो दोनों में, तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस. सो ये आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से इसको प्रूफ किया जाता है. जब आपका ये क्वेश्चन आता है तो आप इसको पूरा एक्सप्लेन करके देन लास्ट में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी लिख सकते हैं और या फिर कन्वर्जन यूनिट वाली डायमेंशन एप्लीकेशंस भी आप लिख सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट डायमेंशंस. अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम डायमेंशंस के कुछ एग्जांपल्स करने वाले कि किस तरीके से आपको किसी की डायमेंशन बनानी, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ बताया डायमेंशन होती क्या है, बट डायमेंशन इस फॉर्म में किस तरीके से लिखते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. और इसके अलावा हम नेक्स्ट वीडियो में राउंडिंग ऑफ पढ़ेंगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ ऑफ सेकेंड चैप्टर. सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो. थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़.